पिरामिड, पिरामिड का वास्तु में क्या महत्व है, कौन से टाइप का पिरामिड यूज करने से बेस्ट रिजल्ट मिलता है, वास्तु में पिरामिड रेमेडीज के तौर पे किस तरीके से हेल्प करता है, पिरामिड कैसे रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए, कौन से जोन में रखना चाहिए, कौन से जोन में नहीं रखना चाहिए, और पिरामिड रिलेशनशिप को बचाने के लिए, रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए कैसे हेल्पफुल होता है, गलत दिशा में रखा हुआ पिरामिड क्या गलत इफेक्ट लेके आता है, सही दिशा में रखा हुआ पिरामिड कौन सी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, ये सारी बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। और ये पिरामिड का टोटल पोस्टमार्टम आपके सामने आज मैं करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। पिरामिड से जुड़ी हुई पांच इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट पे रील के थ्रू ऑलरेडी वहां पर पोस्ट कर दी है, और मेरे फेसबुक अकाउंट की प्रोफाइल की जो लिंक है वो मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल के रखी है। आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे चले जाएंगे और वहां से वो रील के अंदर जो पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसे अवश्य देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और उसके बाद में आज के यहां पर वीडियो में जो मैं चीज बता रहा हूं उसे भी समझ के इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। तो क्या होगा, आपको रेमेडीज के तौर पे वास्तु का पिरामिड का सबसे बेस्ट और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, और आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पिरामिड, पिरामिड का काम है वास्तु के अंदर एनर्जी को बढ़ाना। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, एनर्जी को बढ़ाना। अब आपने पिरामिड को गलत दिशा में रखा होगा तो वो गलत दिशा की नेगेटिव एनर्जी को भी बढ़ा देगा, और अगर आपने पिरामिड को सही दिशा में पॉजिटिव दिशा में रखा होगा तो वो पॉजिटिव एनर्जी को भी बढ़ा देगा। इसीलिए पिरामिड को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही रखना चाहिए और बहुत ही सोच समझ के प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। पिरामिड क्या करता है, किसी भी जोन की एनर्जी को 108 times बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। पिरामिड जो है वो एनर्जी के एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है। जैसे वॉइस का आवाज बढ़ाना हो तो एम्पलीफायर के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तो फिर वो वॉल्यूम बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। उसी तरीके से ये जो पिरामिड है वो एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है वास्तु में एनर्जी बढ़ाने के लिए। एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। आज ही मैंने जो घर के अंदर वास्तु विजिट की वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट का जो जोन है, ये साउथ ईस्ट का जोन पूरा कट गया है। अब हमें क्या करना है, वास्तु के अंदर कोई तोड़फोड़ करनी नहीं है। साउथ ईस्ट के जो जोन का है, साउथ ईस्ट के जोन का कनेक्शन घर के फीमेल मेंबर की हेल्थ के साथ में होता है। घर के अंदर बिजनेस में जो कैश फ्लो, जो लिक्विडिटी होती है, पैसे का रूलिंग होता है, उसके साथ साउथ ईस्ट का कनेक्शन होता है। अब ऐसे में अगर क्लाइंट वास्तु रेमेडीज पूछता है या वास्तु रेमेडीज करवाता है तो हम कैसे ये पिरामिड का यूज करके ये जो साउथ ईस्ट का जो जोन कट हुआ है उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकली तो ये बढ़ाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन साउथ ईस्ट की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। मान लो ये साउथ ईस्ट के डायरेक्शन का जो पिरामिड होता है वो ये पिरामिड है, तो ये क्या करेंगे हम, ये पिरामिड को, ये साउथ ईस्ट जोन जो क्लाइंट के घर पे अवेलेबल है उसमें यहां पर कहीं पर रख देंगे। साउथ ईस्ट जोन के अंदर यहां पर रखने से क्या होगा, ये जगह तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर ये जगह घर में होती तो जो एनर्जी जनरेट होती वो एनर्जी ये पिरामिड रखने से वहां पर जनरेट हो जाएगी, और साउथ ईस्ट की जो नेगेटिव इफेक्ट उनके जीवन में अभी हो रही है उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब किस प्रकार का पिरामिड यूज करने से बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है, देखिए आज मैंने आपको कहा कि पिरामिड का पोस्टमार्टम होगा, तो अब मैं पिरामिड पूरा आपको खोल के दिखाने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने यहां पर खोल के रखा है ताकि टाइम बच जाए, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। ये होता है पिरामिड का सबसे ऊपर का टॉप, उसके अंदर एक लेयर होता है 9 पिरामिड का। ये देखिए ये 9 पिरामिड का ये लेयर है, उसके पीछे भी कुछ है वो मैं आपको अब अगले 2-3 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 9 पिरामिड का लेयर है। उसके आगे आप यहां पर देखेंगे तो ये हर एक जगह पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 पिरामिड का ये सेट तो है ही, लेकिन उसके अंदर भी हर एक में 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9, 9, 9, 9, ऐसे 9 है, तो 81 तो ये हो गए।
अब क्या होता है, लोग कैसे बेवकूफ बनते हैं, क्यों लोगों को पिरामिड का रिजल्ट नहीं मिलता है, गलत क्वालिटी का, गलत मटेरियल से बनाया हुआ और गलत तरीके से बनाया हुआ पिरामिड अगर यूज करते हैं वास्तु की रेमेडीज में तो उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। अब गलत कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये पिरामिड की प्लेट है, इसके ऊपर ये रख दिया और ये भी तो एक पिरामिड बन गया। अब जब ऐसा पिरामिड कोई यूज करेगा तो आप खुद ही सोचिए, इसके अंदर सिर्फ एक ही पिरामिड की एनर्जी है, ओनली वन पिरामिड, और कोई एनर्जी इसके अंदर नहीं है। लेकिन इसके अंदर 81, इसके अंदर दूसरे 9, उसके पीछे दूसरे 9, तो क्या लगता है, आप सिंपल लॉजिक से भी सोचेंगे तो इतने सारे पिरामिड मिलके जो एनर्जी जनरेट करेंगे, क्या ये अकेला पिरामिड कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। लेकिन लोग पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, ऐसा सादा वाला पिरामिड यूज कर लेते हैं, या फिर जो अपने कंसल्टेंट है वो कंसल्टेंट भी कभी कभी लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं, पैसा पूरा ले लेते हैं लेकिन गलत क्वालिटी का दे देते हैं, या फिर सेम चीज को हाई बड़े भाव में दे देते हैं, बड़ा भाव बढ़ा के दे देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से गलत क्वालिटी, गलत तरीका और गलत वे से बनाया हुआ पिरामिड होता है तो रिजल्ट नहीं मिलता है। अब ये क्या है, ये जो मैंने आपको बताया, पीछे बताता हूं, ये जो 9 पिरामिड की ये जो प्लेट है उसके पीछे ये 9 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, और ये क्रिस्टल का शेप भी वापस पिरामिड के जैसा ही है, न कि वो स्क्वायर या और कोई शेप है, ये भी वापस एक पिरामिड का शेप है। अब क्या होगा, ये जो जोन है, मतलब ये जो कलर है वो कौन सा कलर है, जो जोन के अंदर पिरामिड रखना है उस जोन के जो एलिमेंट है उससे कनेक्टेड जो क्रिस्टल है उसका ये कलर है, और उसका ये क्रिस्टल का पिरामिड इसके अंदर रखा हुआ है, और ये रखने से इसकी रियल पावर बढ़ जाती है, ये रखने से उस जोन के अंदर बराबर से उसका एनर्जी क्रिएट होता है, और वही एनर्जी फिर क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है। अभी ये जो जोन है, ये जो कलर का क्रिस्टल है उसको और कोई जोन में नहीं रख सकते, और कोई जोन का क्रिस्टल है वो वाला पिरामिड दूसरे जोन में नहीं रख सकते, जोन वाइज पिरामिड रखना है, एलिमेंट वाइज पिरामिड भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है, घर में कैसी सिचुएशन है, घर के अंदर कौन सा जोन मिलता है नहीं मिलता है, वो सारी चीजों को देख के उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन हमेशा इस तरीके से अच्छी क्वालिटी का पिरामिड यूज करें, और ये पिरामिड आपको रिलेशनशिप के अंदर कैसे हेल्पफुल होता है अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। अब मान ले ये पिरामिड है, अब उसके ऊपर मुझे खाली ये कवर करना बाकी है, करना क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ की फोटो, मैरिज वाली फोटो, मतलब अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग नहीं है तो हस्बैंड वाइफ की मैरिज वाली फोटो। कभी ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग है लेकिन फैमिली मेंबर, घर के अंदर 5 मेंबर 7 मेंबर है, उनके सबके बीच के अंदर ही कोई बॉन्डिंग नहीं है, उनके अंदर कोई तालमेल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, पूरी फैमिली की फोटोग्राफ लेके इसके अंदर रख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है तो हस्बैंड वाइफ की फोटो लेके रख सकते हैं, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उनके अंदर रिलेशनशिप के अंदर कुछ इश्यू हो रहा है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फोटो लेके इसके अंदर रख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ की शादी वाली फोटो लेनी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पासपोर्ट साइज का फोटो यहां पर लेके रख देंगे तो चलेगा। फैमिली फोटो, जो फैमिली की फोटो फ्रेम होती है उसका छोटे साइज का फोटो यहां पर रख सकते हो, उसको यहां पर रख के इससे कवर करके, अब ये कवर करेंगे तो ये पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा, यानी फिर ऐसा पिरामिड बन जाएगा जो हिलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, एकदम पक्का हो जाएगा। और इस तरीके से ये पिरामिड के अंदर वो फोटोग्राफ रख के घर के साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन है, वहां पर रखने से काम बिगड़ जाएगा, जो रिलेशन अच्छे हैं वो भी खराब हो जाएंगे। उसको कहां पर रखना है, घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखना है। क्यों, साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है, इंपॉर्टेंटली मेनली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से कनेक्टेड है लेकिन फैमिली मेंबर की ओवरऑल बॉन्डिंग से भी कनेक्टेड है, और साउथ वेस्ट का जो जोन है वहां का जो एलिमेंट है वो है अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट में रखने से ये रिलेशनशिप को पकड़ के रखेगा, मजबूत रखेगा। जैसे आपको और मुझे खड़े रहने के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के ऊपर ही हम खड़े रह सकते हैं, अर्थ ही हमें पकड़ के रखती है, पानी कभी पकड़ के नहीं रख सकता, हवा कभी पकड़ के नहीं रख सकता, इसी तरीके से अर्थ एलिमेंट पकड़ के रखता है। तो ये पिरामिड को अंदर फोटो रख के इसको ऊपर से बंद करके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर रखना है। क्यों मैंने साउथ साउथ वेस्ट भी इधर बता दिया,
क्योंकि काफी बार ऐसा होता है अगर प्रॉपर लेआउट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की बाउंड्री क्या है, कहां से साउथ साउथ वेस्ट शुरू हो रहा है, कहां से साउथ वेस्ट शुरू हो रहा है। बहुत बारीक डिफरेंस है दोनों के बीच में और दोनों बाजू बाजू में ही है। तो खास इस तरीके से प्रॉपर लेआउट का मार्किंग होना बहुत जरूरी है और ये लेआउट से प्रॉपर मार्किंग करने के बाद इसको साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख देना है और आप देखिए किस तरीके से वो रिलेशनशिप के अंदर जान आती है, रिलेशनशिप के अंदर बॉन्डिंग वापस मजबूत बन जाता है, चाहे फैमिली का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे पूरे परिवार का हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो। अब ये मैंने आपको एक तरीका बताया पिरामिड के यूज का जो हम रिलेशनशिप को बचाने के लिए या रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे अनेकों बेनिफिट है पिरामिड के। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है, समझना है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और बहुत ही जल्द मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।